दोस्तों, ये न्यूज़ तो आपको मिली गई होगी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप में इंडिया की टीम ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है और हमारी टीम फर्स्ट पोजीशन पे आई है, जीत गई है। और क्या कहते हैं, ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडिया टॉप 100 टीम्स में आ गई है और इंडिया की रैंक इस समय 100th है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप में इंडिया जीती है। दोस्तों, जेपोरिजिया जो साइट है वो यूक्रेन में है, इस समय रशिया ने कब्जा रखी है और यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जेपोरिजिया इज़ अ न्यूक्लियर पावर प्लांट साइट लोकेटेड इन यूक्रेन। लास्ट ईयर यूपीपीएससी में इसमें सवाल आया था, लार्जेस्ट कोल माइन कौन सी है वहाँ पे, तो वो दोनों उसका आंसर था। लेकिन कई लोगों ने जेपोरिजिया लगा दिया था क्योंकि उस समय न्यूज़ में था। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जेपोरिजिया इज़ अ न्यूक्लियर पावर प्लांट साइट लोकेटेड इन यूक्रेन। दोस्तों, जो एस सी ओ की समिट है वो इंडिया ने इस बार होस्ट की है और इसको वर्चुअल माध्यम से होस्ट किया गया है। तो इसको ईरान को एज अ 9th मेंबर इंडक्ट कर लिया गया है एस सी ओ में, अब 9 मेंबर हो गए हैं। समरकंड उज्बेकिस्तान में इसकी लास्ट मीटिंग हुई थी, वहाँ पे ये डिक्लेयर किया गया था कि ईरान को 9th मेंबर बनाया जाएगा, लेकिन नेक्स्ट मीटिंग में इसको इंडक्ट करना था, तो इंडिया में नेक्स्ट मीटिंग हुई है, इसको इंडक्ट कर लिया गया है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि वाराणसी को कल्चरल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया है और जो है यहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा। ये कल्लारकुट्टी डैम इदुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में सिचुएटेड है, तो बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है। पूछ लें, छोटा मोटा क्वेश्चन है, वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दोस्तों, ये पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट बहुत न्यूज़ में रहता है, ये गोदावरी रिवर पे बन रहा है, आंध्र प्रदेश में बन रहा है। इसका 90% पार्ट तो आंध्र प्रदेश में रहेगा, प्लस ये शेयर करेगा उड़ीसा छत्तीसगढ़ तेलंगाना के साथ। ये 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ प्रोजेक्ट शेयर्ड है और ये जो है, इसके प्रोजेक्ट की वजह से कोंडा रेड्डी ट्राइब्स ये डिस्प्लेस हो गई हैं। ये पीवीटीजी हैं, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। तो ये प्रेसिडेंट के पास गए हैं कि बोले हमको डिस्प्लेस किया जा रहा है इसकी वजह से। ओके, और ये पापीकोंडा हिल्स में रहती हैं और ये प्रोजेक्ट जो बन रहा है वो ईस्ट एंड वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के बीच में बन रहा है। ये डिस्ट्रिक्ट तुम्हारा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और कुछ समय पहले ये अल्लारू सीतारामा राजू कल न्यूज़ में थे, तो ये विजयवाड़ा के फ्रीडम फाइटर थे। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, तो ये भी ध्यान रखने की बात है। और इनकी 125वीं सालगिरह मनाई गई थी। शूटिंग फ्रॉम द हिप का मतलब होता है कि कोई भी काम बहुत ही जल्दी में कर देना। जैसे बंदूक पीछे लगी होती है तो उसको निकाल के आदमी को पॉइंट करके मारते हैं ना गोली, तो वो निकालते ही तुरंत मार देना है ना, पीछे की तरफ ही फायर हो जाए, आगे तक आ ही नहीं पाए। तो रैशली इम्पल्सिवली अगर कोई आदमी काम करता है तो उसको बोलते हैं शूटिंग फ्रॉम द हिप। ये ऑल्सो रैन टर्मिनोलॉजी यूज होती है हॉर्स रेसिंग में। ओके, तो जो फर्स्ट 3 हॉर्सेज आते हैं वो तो चैंपियंस कहलाते हैं, लेकिन जो बाद वाले होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो उनको कहते हैं यस दे ऑल्सो रैन, है ना। तो ऑल्सो रैन इज यूज्ड के नॉट फर्स्ट इन फर्स्ट अमंग द थ्री, बस वो दौड़े थे ऐसे ही। जैसे स्पीकिंग में बोलते हैं हेयर यू आर, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि तुम यहाँ हो, है ना, इसका मतलब होता है कि तुमने जो चीज़ मांगी है वो ये रही। तो जैसे कोई पूछे कि तुम कहाँ रहते हो, तो तुमने अपना एड्रेस का वो अपना कार्ड निकाल के दे दिया, बोले हेयर यू आर, हेयर इज़ द थिंग दैट यू आस्क फॉर, ये इसका मतलब होता है। ओके, और बोलते हैं रिच एंड वेल्थी का क्या मतलब है। रिच वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, और इट इज़ मटेरियलिस्टिक थिंग, वेल्दी इज़ अ लाइफ स्टाइल, ठीक है ना। तो ये समझने की ज़रूरत है, वेल्दी लोग जैसे कोई एक टन सोना पहन के चल रहा है और कार हैं 10-15, तो ही हैज़ अ वेल्दी, ही इज़ वेल्दी। ओके, अगर तुम्हारे पास 100 करोड़ रुपया अकाउंट में पड़े हो, तुम वैसे ही रह रहे हो आराम से, तो यू आर रिच, दैट्स इट, दिस इज़ अ डिफरेंस। ओके,